पर वो उसका जिसके बारे में बात किया अबू सलेम, उसका भी घर यहीं पे है ना, सरायमीर का रहने वाला है ना वो, कस्बे के, कस्बे के, हाँ सरायमीर कस्बे, ये अंदर आधा किलोमीटर से कम है होगा, ये अंदर मेन पठान टोला बोला जाता है मोहल्ला, अच्छा। उसी में उनका घर है, कोई रहता है उनके भी? हाँ भाई वगैरह हैं उनके, उनके भाई भाई लोग रहते हैं, हाँ परिवार पूरा है उनका। हाँ आप लोग बता रहे थे हमको कि पहले यहाँ पे अबू सलेम आना जाना था, किसी को पता ही नहीं था कि गुंडा वंडा ऐसा कुछ है उसके ऊपर आरोप? कुछ नहीं, यहाँ कोई उनका ऐसा कुछ मामला नहीं है कि यहाँ पे कोई उनसे डरे या घबराए, जो भी मामला उनका बम्बई या अपना होगा, लेकिन यहाँ कोई उनका कोई ऐसा मामला नहीं है, यहाँ पे कोई मामला नहीं, नहीं कोई मामला नहीं। उनके भाई लोग यहीं आगे दुकान है, रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट उनके भतीजे का है, हाँ सारे लोग हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं उनसे। तो पता चला आप लोगों को कि यार आजमगढ़ का नाम इस वजह से भी बदनाम हो रहा है, गुलशन कुमार हत्याकांड हुआ था, गुलशन कुमार जी जी जी, तो उनमें उनका नाम आया था तब हम लोगों को, भाई तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन सुनता हूँ जो वही 1993 के आसपास जो भी हुआ था गुलशन हत्याकांड, तभी से उनका नाम सुर्खियों में आया, तभी लोग यहाँ जाने भी कि मतलब इस तरीके, तभी से लोग जाने भी नहीं, तो हम लोग जानते भी नहीं कि वो गुंडे हैं। हाँ सबसे पहले यही पहचानते थे एरिया नहीं पहचाने, मतलब आना जाना था जिधर घर तो वही है, मतलब एरिया में जानने वाले लोग थे उनको, जानने वाले थे, ये जानने वाले थे कि वो एक मोटर मैकेनिक यहाँ काम करते थे, मोटर मैकेनिक यहाँ काम करते थे, तो एरिया में जैसे ये हमारे पड़ोसी हैं, हम जानते हैं इनको, जाहिर सी बात है जानेंगे, छोटी सी बाजार है जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है कि सरायमीर के अतराफ़ के लड़के जो है, वह जो यहाँ के लड़के हैं, यहाँ पे दो मदरसे बहुत बड़े हैं, जो सबसे बड़ा मदरसा है मदरसतुल इस्लाह, इसके लड़के पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, उसकी वजह से नहीं सरायमीर मशहूर हुआ, लेकिन अबू सलेम की वजह से मशहूर हो गया। आपको तुर्की में, मसर में, सऊदीया में बड़े बड़े स्कॉलर आपको सरायमीर के मिल जाएंगे, इसी मदरसे के पढ़े, लेकिन उसके बारे में कभी किसी ने चर्चा नहीं की कि सरायमीर का नाम इससे होना चाहिए। आप बताइए, आपके पास मौका है, आप बताइए सरायमीर का नाम किस वजह से होना चाहिए आपके पास? सरायमीर का नाम, सरायमीर बगैर कुछ, कोई किसी संसाधन के बगैर यहाँ के लड़के पढ़े लिखे बाहर गए, जो यहाँ का मजदूर था, जो नहीं पढ़ा लिखा था, वो भी बाहर गया, मुल्क के लिए लाके कुछ ना कुछ दिया उसने, मुल्क से कुछ नहीं लिया उसने, सिर्फ नाम लिया हिंदुस्तान का, लेकिन उसका नाम नहीं हुआ। सरायमीर को किससे पहचाना गया? अबू सलेम से पहचाना गया। आप जाइए मदरसा इस्लाह पे, आपको वेलकम वो लोग करेंगे, और आपको लगेगा वहाँ, आपको पूरी तारीख बताएंगे कौन कौन लोग थे। शिबली नोमानी ने इसकी बुनियाद रखी इस मदरसे की, शिबली कॉलेज इनके नाम है ना, शिबली कॉलेज है उनका भी यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशन रहा, और बड़े बड़े स्कॉलर निकले हैं। मैं एक मिसाल दूँ, जो इंडियन एम्बेसडर टू सीरिया इस वक्त, वो इसी मदरसे के पढ़े हुए हैं, मौजूदा एम्बेसडर। हाँ, और दिल्ली में आप किसी भी एम्बेसी में चले जाइए, यहाँ के मदरसे के पढ़े हुए लड़के वहाँ ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं। 80 लड़के जो लास्ट ईयर सेमिनार हुआ था, 80 लड़कों को आइडेंटिफाई किया गया था, जिन्होंने PhD कंप्लीट की अपनी। मैं हायर स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, इंडिया में जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर में अगर आप चले जाएंगे, खासतौर सऊदी में जो मदीना यूनिवर्सिटी है, जामिया अजहर मिस्र में है, तुर्की में है, बहुत सारे लोग जब पाकिस्तान पहले जाते थे, पाकिस्तान में बहुत बड़े लोग यहाँ से पढ़े लिखे पढ़ के गए थे। उसके अलावा यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो इनका इंडिया में खासतौर से जो हायर रहेंगे, आप देखेंगे डिफेंस में जो ट्रांसलेटर हैं, जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, मैं नाम लेके बता सकता हूँ अगर ज़रूरत हो, वहाँ पे यहाँ के पढ़े हुए लड़के काम कर रहे हैं इस मदरसे के। ये मामूली कंट्रीब्यूशन नहीं है कि एक मदरसे का पढ़ा हुआ लड़का इतनी हायर लेवल पे जाके वहाँ पे कम्पीट कर रहा है, वो भी ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा है कि जो इंडिया के टॉप लोग हैं। और आप देखिए कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ के पढ़े हुए लड़के प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और लगातार हर साल अगर आप चेक कर लेंगे, कम से कम ऐसे लड़के हैं जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं, इसमें से 90% ऐसे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वहाँ एडमिशन लेते हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से जाकर रिलीजन स्टडी करते हैं, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट में, सोशल वर्क में, हर डिपार्टमेंट में वो जाके पढ़ाई करते हैं, फिर वहाँ से अपनी क्या नाम है मास्टर डिग्री और PhD कंप्लीट करते हैं।